लकम टू एल एन आई एस यूट्यूब चैनल आई एम योगेंद्र शर्मा एंड टूडे आई विल डिस्कस विद यू एन एक्साइटिंग टॉपिक दैट इज माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी दोस्तों कई बार आपको यही थेरेपी या यही टेक्नोलॉजी डिफरेंट नेम से भी देखने को मिलेगी जैसे कि थ्री पेरेंट्स बेबी ये वर्ड भी आपको देखने को मिलता है सो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले कि वाई वी आर गोइंग टू रीड इट क्या इसकी जरूरत है तो आंसर इज वॉट दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू अवर सिलेबस जीएस थ्री साइंस सेक्शन वी हैव वन टॉपिक दैट इज बायो टेक्नोलॉजी और वहां पर यह बिल्कुल फिट बैठता है आपसे अगर बात की जाए कि विद रिल्स टू दस न्यूज पेपर चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही पेपर्स के अंदर अभी रिसेंटली सेकेंड वीक ऑफ मे में आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूजेस देखने को मिला जैसे आपके जो इनिशियल दोनों के दोनों स्लाइड्स हैं रिलेटेड टू द हिंदू फर्स्ट बेबी इज बॉर्न इन ब्रिटेन डी एन ए फ्रॉम थ्री पीपल हिंदू का न्यूज है ट्वेल्व और के आसपास का बेबी इज गॉट थ्री पेरेंट्स एक्सप्लेनिंग माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एंड थर्ड वन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस बेबी बॉर्ड विद्री पीपल्स डी एन ए इन यूनाइटेड किंगडम नो मोर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी सो वॉट यू विल फाइंड आउट इन मे सारे नेशनल न्यूज पेपर के अंदर एम आर टी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रहा था एंड एंड एट द सेम टाइम आपको यह पता लगेगा इन लास्ट थ्री ईयर

So, first and first, what is mitochondria? We should know about it. So, whenever we talk about human cell or plant cell, we know about it. What we have membrane bound various organelles. Various organelles. So, mitochondria are what? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब इसी को जूम किया जाएगा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन लेयर और इनसाइड में आपको देखने को मिलेगा फोल्डेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन लेयर सो व्हाट वी कैन से डबल मेम्ब्रेन लेयर आपको देखने को मिलती है माइट्रोकॉन्ड्रिया व्हाट आर दी अदर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है इट कंटेन व्हाट ओन डीएनए खुद के खुद के पास खुद का डीएनए यहां पर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक इन 20 uh, 2007 यूपीएससी एग्जाम ने आस्क्ड व्हिच ऑफ दी सेल ऑर्गनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए तो वहां पर इसका आंसर था माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है एंड एट द सेम टाइम इसके पास राइबोसोम और आरएनए भी होता है सो व्हाट वी कैन से डीएनए एंड राइबोजोम के होने की वजह से माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड आपने माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में यह भी सुना होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज वॉट पावर हाउस ऑफ अ सेल वाई वी आर सेट वाई अ पावर हाउस ऑफ सेल उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं ठीक है सो इज जनरली नोन एज वॉट पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसा क्यों है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने फूड को इंजेक्शन ingest, लिया दैट मीन फूड कंज्यूम किया उसके बाद डाइजेशन होगा एंड आफ्टर डाइजेशन वॉट वी है मिला ग्लूकोज इज अवेलेबल इन अवर ब्लड अब ब्लड से वो ग्लूकोज जाएगा कहां पर इन साइड ऑफ आवर सेल और ग्लूकोज जब सेल में जाएगा देन वॉट इज गोइंग टू हैपन मेटलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज दैट मीन्स ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर एंड उसके साथ में प्रोड्यूस होगा एनर्जी सो so, कुछ इस तरीके की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है इनसाइड ऑफ सेल ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एटीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी? एडेनोसाइन ट्राइफोसफेट एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट दैट थिंग इज नोन एज वॉट एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल सो हमें क्या देखने को मिला जब ग्लूकोज एंटर करेगा इन साइड ऑफ अ सेल देन इन साइटोप्लाज्म, फर्स्ट ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू इंटू एसिड। पायरविक एसिड का मतलब है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा दैट मींस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विल डिवाइड इनटू व्हाट टू सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री एसिड फर्दर जाएंगे माइट्रोकोंड्रिया में वेयर माइट्रोकोंडिया में ये रिएक्शन करेंगे विद ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्टेंट हमें देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड एनर्जी करेंसी तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एटीपीज दी एनर्जी करेंसी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो सेल्युलर मेटाबोलिज्म के अंदर सेल्युलर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का मैक्सिमम मैक्सिमम यूजेज आपको देखने को मिलेगा वो एनर्जी कहां से आने वाली है विदेल्प ऑफ माइट्रोकोंड्रिया एंड दैट्स माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज वॉट पावर हाउस ऑफ अ सेल क्योंकि ये एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है तो पावर हाउस बन गया अब बात करते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होगी problem होगी फॉर इफ अ डिफेक्ट है उसके अंदर वो एनर्जी सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है उसमें रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो रही प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पा रहा देन वॉट इज गोइंग टू बी हैपन सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन का कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें माइट्रोकोड्रिया ना हो एवरी सेल है माइट्रोकोड्रिया लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, देर आर नंबर ऑफ ऑर्गन्स, जिनके जो टिश्यूज हैं दे आर एनर्जी हंग्री ऐसे कौन से हैं बताइए ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो जिनके टिश्यूज एनर्जी हंग्री हैं जिनको हर समय पर लगातार एनर्जी चाहिए एनर्जी का मतलब उन्हें ग्लूकोज या डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए बट एट द सेम टाइम उनका माइट्रोकोड्रिया लगातार काम करते रहना चाहिए जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होते रहे तो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रेन ब्रेन का तो मेन सोर्स ही होता है ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोवाइड करना यानी ब्रेन की जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं उनमें माइट्रोकोन्ड्रिया परफेक्ट होना चाहिए उसमें फॉल्टी माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं होना चाहिए या लिवर और किडनी नर्व्स मसल्स हार्ट एंड नंबर ऑफ अदर ऑर्गन्स सो ब्रेन हार्ट नर्व्स, मसल्स किडनी लिवर इन सबके टिश्यूज को क्या चाहिए एनर्जी इसलिए आपको देखने को मिलता है ब्रेन सेल्स के अंदर या मसल सेल के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियाज आज अवेलेबल क्योंकि लगातार उन्हें एनर्जी जनरेट करनी है अब अगर ऐसा हुआ माइट्रोकॉन्ड्रियाज आर फोल्टी उनमें कुछ प्रॉब्लम है देआर नॉट परफेक्ट

उनके माइट्रोकोंड्रिया फॉल्टी है जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही माओपैथी मीन स्केलेटन मसल्स के अंदर बिकॉज ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया वेरियस डिजीजे हो चुकी हैं एंटेरोपैथी का मतलब होता है इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उनके अंदर माइट्रोकोंड्रिया फॉल्टी है उसकी वजह से इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीजेस देखने को मिलेंगी लिवर फेलियर देखने को मिल सकता है हॉर्मोन डेफिशंसी देखने को मिल सकती है रेनल डिजीजेज का मतलब किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अनैमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है न्यूरोपैथी मीन्स नर्व के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है सो वॉट वी कैन से बिकॉज ऑफ द फॉल्टी माइक्रोकोन्ड्रिया जिन ऑर्गन्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए थ्रू आउट द डे उन ऑर्गन्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज वो ब्रेन हो सकता है वहां लीवर हो सकता है किडनीज हो सकती है नर्व्स हो सकती है मसल्स हो सकती हैं हार्ट हो सकता है और एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है उनकी वजह से कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज इस तरीके की समस्याएं आपको जनरली देखने को मिलती है वन आउट ऑफ फाइव थाउजेंड चाइना है जो कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रोलॉजी अथॉरिटी अथॉरिटी यूके का जो है उन के द्वारा प्रोवाइड किया गया बट दैट डेटा इज ऑल्सो करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडिया एज वेल एज अदर कंट्री के रेस्पेक्ट में भी सो दैट मीन आउट ऑफ फाइव थाउजेंड एक बच्चा ऐसा होगा जिसको कोई ना कोई इस तरीके की डिजीज के चांसेज हैं और वो डिजीज क्यों है बिकॉज ऑफ दी फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइट्रोकोड्रिया प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा ऐसा हुआ कैसे उस बच्चे में फॉल्टी माइट्रोकोड्रिया क्यों आया वाई सोचिए इसके बारे में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया का फॉल्टी होने का आंसर क्या होगा माइट्रोकोन्ड्रिया कहां से बच्चे मार रहा है बच्चा क्रिएट कैसे हो रहा है यू नो अबाउट इट वेन एग एंड फर्टिलाइज टूगेदर एज अ रिजल्टेंट वॉट वी हैव एम्ब्रो बनता है तो ऐसा कौन, कौन सा माइट्रोकोड्रिया बच्चे में जा रहा है वहां आपको देखने को मिलता है मदर का रोल तो आप क्या कह सकते हो यहां इस बच्चे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है दैट बिकॉज ऑफ दी माइट्रोकॉन्ड्रिया और वो माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां से रिसीव हो रहा है फ्रॉम बायोलॉजिकल मदर क्योंकि इस से हमें क्या देखने को मिलता है वेन एवर एग एंड स्प फर्टिलाइज टूगेदर स्पम से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है बट जो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ एग सो वॉट वी कैन से इफ अ वोमेन हैव फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया इन हर एग सेल एज अ रिजल्टेंट उसके बच्चे में जो फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग होने वाला है उसके अंदर क्या चांसेज है चांसेज ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजे इन डिजीजेस को सॉल्व करने के लिए अब क्या किया जाए या तो उस एग को ही क्या कर दिया जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए लेकिन आपको देखने को मिलेगा वो अलाउ नहीं है नंबर ऑफ कंट्रीज उसको इग्नोर करते हैं इवन एथिकल कई सारे रेगुलेशन आ जाते हैं सो जमलाइन थेरेपी और जेनेटिक एडिटिंग एट द लेवल ऑफ एग एन स्पोम वो तो अलाउ है नहीं फिर कुछ और सोचा जाए और वहीं पर आपको देखने को मिलता है द रोल ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी

फ्रॉम डिफरेंट वुमेन और टू अचीव वॉट उसका मेन जो कॉन्सेप्ट है जो हम अचीव करने वाले है, वो है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजे को बच्चे से हटाया जाए ठीक है इस, इस टेक्नोलॉजी के भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्नोलॉजी एमडीटी माइट्रोकॉन्ड्रियल मैन्युपेशन टेक्नोलॉजी एम एम टी थ्री पेरेंट्स बेबी और एम्ब्रियो या आपको देखने को मिलेगा ओ प्लाज्मिक ट्रांसफर और साइट्रोप्लाज्मिक ट्रांसफर या इसको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट नेम वी हैव फॉर दिस टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछा हुआ है मैटरनल ट्रांसफर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहीं से वापस क्वेश्चन का भी चांस बनेगा या डिफरेंट डिफरेंट नेम को मैनिपुलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर होगा क्या इन विट्रो मीन वॉट इन विट्रो मीन ग्लास

डिफरेंट नंबर ऑफ एक्स को सिमुलेट करा जाएगा विद्प ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन को उसको कंज्यूम कराया जाएगा इन इन ग्लास एंड एजल्टेंट वॉट वी है देखने को मिलेगा इट विल कन्वर्ट इन टू वॉट वेरियस एम्ब्रूज बन जाएंगे एम्ब्रियोज बन जाएंगे जब उन एम्ब्रियोज को क्या किया जाएगा ट्रांसफर किया जाएगा इन साइड ऑफ यूटरस प्रोसेस इज नोन एज वॉट

डोनर वोमेन और डोनर वोमेन से बोला जाएगा कि और वो उस को रिप्लेस किया जाएगा मदर के एग में अब इसमें किस तरीके से होने वाला है मोस्ट कॉमन नोन टू प्रैक्टिस वन इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड सेकंडल स्प्रिंडल ट्रांसफर उसके बारे में आपके साथ में बातचीत करने जा रहा हूं ठीक है सो आप ध्यान रखना वी हैव मदर फादर एंड अ डोनर वोमेन ठीक है सो पॉइंट नंबर वन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक प्रो न्यूक्लियर इस वर्ड पर गौर करना है, इसका कुछ मतलब है जो अभी समझ में आएगा आपको प्रो न्यूक्लियर सो इन दिस केस वॉट इज गोइंग टू बी हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर है फॉल्टी माइक्रोकॉन्ट्रिया दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल मदर जो मदर है उसके बारे में बात हो रही है एंड हियर वी हैव ऑफ फादर एग और स्पम को हमने क्या करा दिया यहां पर फर्टिलाइज करा दिया फर्टिलाइज हो गया देन वॉट वी हैव प्रो न्यूक्लियर ट मीनस दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं मदर और फादर के एग और स्पम के न्यूक्लियस इस समय पर इस एग के अंदर है सो वॉट वी कैन से इट इज जायगोट फॉर्म हुआ जिसके अंदर वॉट we है फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया इसमें जो अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं ये रेड कलर का दिखाई जा रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट मीन वो फॉल्टी है सेकेंड डोनर वोमेन डोनर वोमेन का एग है उसके साथ फादर के स्पंप को फर्टिलाइज कराया इन इनविट्रो लैब के अंदर होगा हियर वी हैव जायगोट अब यहां पर समझना हुआ क्या बायोलॉजिकल जो मदर और फादर है उनका जायगोट फॉर्म हुआ प्रो न्यूक्लियर और यहां पर डोनर मदर के साथ फादर का uh, को फर्टिलाइज कराया देन जो प्रो न्यूक्लियर है डोनर वाला उस न्यूक्लियर को बाहर निकाला सो वॉट वी कैन से हियर यहां हमें देखने को मिला डोनर एग विदाउट प्रो न्यूक्लियर यानी इस एग के अंदर एग और स्पम का न्यूक्लियस नहीं है और यहां पर क्या है जो मदर और फादर है उनका न्यूक्लियस और उसके अलावा डिफॉल्टी भी है अब क्या करा यहां से तो प्रो न्यूक्लियर को बाहर निकाला और यहां पर जो वैकेंट एग है उसको आगे लेके दोनों को एक साथ में क्या कर दिया फ्यूज करा दिया दैट्स वाई दिस टेक्नोलॉजी इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी यहां पर जागोर्स से न्यूक्लियर लिया गया जिसमें स्पम का न्यूक्लियस एज वेल एज एग का न्यूक्लियस मदर और फादर का अवेलेबल है फर्दर फिर आपको देखने को मिलेगा ब्लास्टोसाइटिक स्टेज जिसमें एम्ब्रियो की तरफ डेवलपमेंट हो चुका है तो यहां से आपको समझ में क्या आया यहां जो ट्रांसफर हुआ वो बिफोर फर्टिलाइजेशन है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन है आंसर क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या समझ में आया आपको आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पम ट्रांसफर्ड प्रो न्यूक्लियर इंटू द डोनर एग इन टू दी हेल्थी माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला जो एग है उसमें हमने ट्रांसफर किया दैट्स वाई हमने यहां पर लिखा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज वॉट प्रो न्यूक्लियर माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी नाउ कम टू आर दि सेकेंड टाइप दैट इज मैटरल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक इसमें देखिए क्या होगा फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट मीन हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं Here what we have, donor woman. सबसे पहले डोनर वोमेन की न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं कराया इसलिए प्रो न्यूक्लियर नहीं हुआ सीधा डोनर वोमेन का जो न्यूक्लियस है यानी ये जो एग है वो कैसा हो गया आप यहां पर आके अगर देखें तो एग विद न्यूक्लियस लेकिन उसके पास क्या हैोकॉन्ड्रिया इट हैल्दी माइक्रोकॉन्ड्रिया बट यहां पर देखिए जो मदर वाला है उसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया क्योंकि इससे पास पास क्या थे थे एग के पास थे, तो उसे हटाना पड़ेगा एग हटाया न्यूक्लियस बाहर निकाला न्यूक्लियस हटाया एग को लिया इन दोनों को फ्यूज कर दिया so right न्यूक्लियस है, है, है वो तो आ रहा है बायोलॉजिकल मां जो है और जो माइट्रोकोन्ड्रिया और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल है वो कहां से आ रहे हैं फ्रॉम दी साइड ऑफ डोनर नाउ वी विल फर्टिलाइज दिस एग वि ए रेजल्टेंट वॉट वी है प्रो न्यूक्लियर जयगोट एंड फर्दर इट विलीड टू डेवलपमेंट ऑफ वॉट एम की तरफ बनने लग जाएगा सो इन दैट केस ट्रांसफर कब हुआ ट्रांसफर इस स्टेज पर ही हो गया फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ दैट मीन इट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या समझ में आए आपको यहां पर जो ट्रांसफर हुआ माइट्रोकोन्ड्रिया का दैट इज

जिसने लीगलाइज कराया इस टेक्नोलॉजी को लीगलाइज दिस एम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लीगलाइज कराने वाली जो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम देन आपको देखने को मिलता है इन ईयर 2022 ऑस्ट्रेलिया बिकम द सेकंड ऑस्ट्रेलिया बिकम द सेकंड बट इसके अलावा नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर जहां पर आपको देखने को मिलता है दैट थेरेपी इज एक्चुअली नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग दिस थेरेपी जैसे कि मैक्सिको

इन सभी के अंदर भी ये प्रैक्टिस चलती रहती है ठीक है यूएसए के अंदर ये टोटली प्रोविटेड है वहां पर इस तरीके के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लीगल एस्पेक्ट्स नहीं देखने को मिलता सिंगापुर इज ऑन दी लाइन सिंगापुर हो सकता है विल बिकम द थर्ड कंट्री जो इसको लीगलाइज करे एमआर को नाउ कम टू आर्ड द इंडिया इंडिया के बारे में सोचिए इन केस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ इंडिया आईवीएफ इज अलाउड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अलाउड है इन इंडिया ठीक है बट एट द सेम टाइम सैरोग्रेसी की जब बात करते हैं कमर्शियलोगेड सो वॉट वी कैन से राइट नाउ इन इंडिया अगर वोमैन आर फेसिंग इन फर्टाइल फर्टिलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम so को सोल्व किया जा सकता है बट इफ ए वोमेन है डोनर वोमन माइट्रोकोड्रिया दैट मीन एमआरटी एमआर टी के बारे में इंडिया में अभी कोई बात नहीं हुई है ठीक है एंड एट द सेम टाइम सरोगोसी वगैरह में भी कई सारे रेगुलेशन हैं प्रोविजन हैं सो so, इंडिया में अभी इसके बारे में बातचीत नहीं हुई है बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ओवर द थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड वन और टू चाइल्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइट्रोकॉन्डियल डिजीजेस हमें देखने को मिलते हैं सो वॉट वी कैन से यस देयर इज स्कोप ऑफ प्रॉपर लीगलाइजेशन ऑफ दिस थेरेपी एंड दिस टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से इंडिया में ये लाव जाए एंड एट द सेम टाइम इंडिया में तो कई सारे सोशल टैबू भी तो हैं सोशल टैबू भी आपको देखने को मिलते हैं कि हमारा ही बच्चा होना चाहिए आईवीएफ को समझा जाता है किसी और का बच्चा ऑल दो इन आईवीएफ टेक्नोलॉजी मदर और फादर का ही तो एगोर फ्यूज हो रहा है फर्टिलाइज हो रहा है बट एट द सेम टाइम सोशल टॉब्यूज आर देयर उनकी वजह से भी इस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं मिल पा रहा जितना होना चाहिए बट यस वी शुड थिंक अबाउट इट सो यस इनकेस ऑफ इंडिया वी हैव स्कोप जहां पर इस टेक्नोलॉजी को लीगलाइज कराना चाहिए टू रिड्यूस एंड रिमूव द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द दाइक्रोकॉन्डियल डिजीजेस एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर जो किया, देखा कि माइट्रोकॉन्ड्रियल yes, डिजीजे को सोल्व कर रहे हैं बट फिर भी कुछ फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया चले जाते हैं ड्यूरिंग दी ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस मदर तो वो प्रॉब्लम है रिस्क आर ऑल्सोट विद एंड एट द सेम टाइम वीर वेरियस एंड एथिकल लीगल एंड एथिकल कंसर्न वो क्या हो सकते हैं लीगल एंड एथिकल कंसर्न एथिकल कंसर्न समझिए एथिकल कंसर्न ये डिजाइनर बेबीज बन सकते हैं ठीक है डिजाइनर बेबीज का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डिजाइनर बेबीजीन्स हो सकता है मदर का माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉल्टी मदर को लगे क्यों ना एथलेटिक वोमेन का माइट्रोकॉन्ड्रिया लिया जाए एथलेटिक वोमेन की वजह से जो बच्चे वो भी चाहते हैं क्यों ना हम दोनों के एक्ट को यूज किया जाए एक का जेनेटिक मटीरियल और एक का माइट्रोकोन्ड्रिया एंड विद्पऑफ एक थ्री पेरेंट बेबी क्रिएट किया जाए तो वो भी लीगलिटी को प्रॉब्लम क्योंकि दैट थिंग जो यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में अलाउ की गई है दैट इज एक्चुअली फॉर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रोकॉन्डियल डिजीजे बट जब लेस्बियन कपल जिसमें थ्री पेरेंट्स है तो वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो लीगल एस्पेक्ट्स को चैलेंज करता है सो यस वी हैव एथिकल चैलेंज वी हैव लीगल चैलेंज इन द केस ऑफ एम ठीक है और भी कई सारे एथिकल चैलेंज आते हैं क्योंकि आज आपने माइट्रोकॉन्डिया को किया तो इट कैन ऑल्सो लीज टू दी जर्मलाइन थे बट दे आर प्रोविटेड इन इंडिया एज वेल एज इन दी अदर कंट्रीज सो वी कैन से दैट की यस लीगलाइजेशन in well so, yes, की तरफ तो हमें बढ़ना चाहिए इनकेस ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम प्रोपर रेगुलेशन प्रॉपर गाइडलाइन सुड बी देर सो ये सारे पॉइंट है जो हमें पता चलते हैं विद रिलेटेड टू माइक्रोकॉन्डियर रिप्लेसमेंट थेरेपी चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि इससे रिलेटेड हमें यूपीएससी में देखने को मिले इन 2020 ट्वेंटी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट मींस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए के बारे में पूछा वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर फॉर दैट तो आंसर उसका सीधा सीधा हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस माइट्रोकॉन्डियल डिजीज को रोकने के लिए वी आर यूजिंग मैम आर टी टेक्नोलॉजी और उस का नाम है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर दैट मीनसों का ट्रांसफर होगा प्रो न्यूक्लियर जो कि बता है ठीक है चलिए इन यूपीएस एग्जामिन फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर देखिए पासिंग ऑन माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ दताया था ना आपको इन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर वी डू एम आर टी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन मैटरनल स्प्रिंडल ट्रांसफर वी डू एम आर टी बिफोर फर्टिलाइजेशन सो दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट

इट्रोकोड्रिया के पास भी डीएनए अदर देन न्यूक्लियस बट इन केस ऑफ प्लांट आपको समझना होगा प्लांट के पास ऐसे तीन ऑर्गेनल्स हैं पहला न्यूक्लियस सेकंड माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड प्लास्टिड्स जो क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिको है plants के, they also have so, याद रखना है अगर एग्जामिनर प्लांट से बेसिस पे बनाता तो यहां पर डेफिनेटली प्लास्टिड्स को या माइट्रोकोड्रिया को वन और टू और थ्री ऐसे करके अरेंज करता बट यस यू शुड नो अबाउट अब जो कि बेसिक एनसीईआरटी तक ही आपको देखने को मिल जाता है ठीक है

उनमें से बहुत सारी संख्या ऐसी होगी जिनको क्या होने वाला है के हमें देखने को मिलने वाले हैं सो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दैम उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर सकती है सो यूपीएससी एग्जामिनर कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एम कुछ इस तरह का वॉट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वेन एवर अ माइट्रोकॉन्डियल डिजीजे इन ऑफपिंग ऑन चाइल्स देन वी हैव टू रिप्लेस द फॉल्टी दॉल्टी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन उस केस उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है एमआरटी देन आपसे पूछा गया हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द दे जीनोम एडिटिंग जीनोम एडिटिंग आपको पता होना चाहिए एम्ब्रोइनिक जीनोम एडिटिंग मीन्स वी आर गोइंग टू एडिट द जीन ऑफ एम्ब्रो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एडिट द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पम और एग दोनों को ही एडिट किया जा रहा है सो दैट थिंग इज प्रोहविटेड तो आपको बताना होगा वहां पर आपको बताना होगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉइनिकीनो मेडिटिंग एंड वट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर थर्ड वॉट आर द स्कोप ऑफ एम आर टी टेक्निक्स इन इंडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजे डेफिनेटली माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेज कई बार ऐसे डिजीजेज में फॉर्म हो जाते हैं जिनको बोला जाता है रेयर एंड ऑर्फेट डिजीजेस उनके लिए यस वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके लिए कई सारे प्लान्स और फंड वगैरह रिलीज करती रहती हैं बट एट द सेम टाइम एट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ थिंग्स सो यू हैव टू राइट इन अ पॉजिटिव सेंस ऐसा नहीं है कि हाँ साफ साफ मना करने लग जाओ कि नहीं इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज नहीं होने चाहिए यू शुड है बेटर परस्पेक्टिव थोड़ा उस पॉजिटिव वे से हमें सोचना होगा ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्यूचर में वन फिफ्टी वर्ड्स और टू हंड्रेड वर्ड्स के लिए आसानी से बन सकता है सो so, यहाँ पर मैंने आपके साथ में सारे एस्पेक्ट थे जो एम आर टी टेक्निक से रिलेटेड उससे प्री के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉर ह्यूमन सेल व्हाट आर द मीनिंग ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजे हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेज वॉट इज द मीनिंग ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्या क्या किस uh, किस डिफरेंट टाइप्स हैं जो एम आर टी की ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस बाई मी इस वीडियो को डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो से आपको समझ में आई होंगी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स Thank you very much for viewing.